जय भोलेनाथ की। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उपकाशी हटा के देवश्री गौरी शंकर मंदिर जी प्रांगण में, और यह मंदिर जो है देश विदेश भर में विख्यात है। इस मंदिर की जो खासियत है, यहाँ की प्रतिमा है, संभवतः पूरे देश में और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड सहित समूचे अंचल में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव जी भोलेनाथ दूल्हा वेश में विराजमान है। इनकी अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की मूर्ति के बारे में जो खासियत है वह यह है कि भगवान भोलेनाथ दूल्हा वेश में विराजमान हैं और जिनके साथ माता पार्वती जी भी नंदी पर सवार हैं। मंदिर के विषय में मान्यता है कि करीब 400 वर्ष से भी अधिक पुराना यह मंदिर है, जो उपकाशी हटा सहित समूचे बुंदेलखंड के लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के पुजारी राम सुजान पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंदिर की मान्यता और खासियत क्या है। जी, मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है और यहाँ पर दूल्हा भीषधारी भगवान देवश्री गौरी शंकर 24 घंटे जागृत अवस्था में विराजमान है, क्योंकि नंदी पर सवार शादी करके आ रहे उस समय का जो सीन है, तो शंकर जी की बारात में सारे जो ब्रह्मांड के देवता गए हुए थे वह सभी यहाँ पर विराजमान है। शंकर जी के दाएं तरफ में गणेश जी, बाएं तरफ में भैरव जी, बीच में सामने कीर्ति मुख जो गलावसत से रखा हुआ है, और शंकर जी के दाएं तरफ विष्णु जी, कृष्ण जी, मतलब छोटे छोटे रूप में पूरी बारात विराजमान है। और यह मंदिर में जो भी भक्त आते हैं सब सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को भव्य महाआरती का आयोजन किया जा रहा था, और किया इसी क्रम में कल सोमवार को भी 12 ज्योतिर्लिंगों का महाभिषेक किया जाएगा। इसी प्रकार से समस्त भक्त एक बढ़कर के एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, सभी लोग यहां पर सहयोग कर रहे हैं। मंदिर के प्राचीन इतिहास पर बात करें तो कौन किसने जो मंदिर है, तो मंदिर के जो हजारी परिवार है यहाँ पर, तो हजारी परिवार के द्वारा भगवान देवश्री गौरी शंकर की स्थापना कराई गई थी 400 वर्ष पहले, और जो मंदिर भगवान भोलेनाथ विराजमान है वह उन्हीं के बताया जाता है, उनके चेतका के ऊपर, उनके जो पूर्वज है उनके चेतका के ऊपर उनकी स्थापना की गई है। ये हमारे यहाँ का एक प्राचीन स्वयंभू मूर्ति है जो कि पूर्वजों के और भूतपूर्व से चली आ रही है। यहाँ पर अड़ोस पड़ोस और छोटे छोटे ग्रामीण अंचल से भक्त लोग आते हैं अपनी आस्था विश्वास के साथ, और यहाँ पर प्रथम सावन सोमवार से लेके अभी तक यहाँ पर शिवार्चन, असंग पार्थो, शिव निर्माण इत्यादियों का निर्माण होता रहता है, और यहाँ पर समस्त भक्तों की एक आस्था जुड़ी हुई है। प्राचीन स्थान है, यहाँ पर माँ भगवती पीताम्बरा के साथ साथ शनिदेव और भी अनेक देवताओं का यहाँ पर प्राचीन स्थान है। शंकर भगवान की जो मूर्ति है, इस मूर्ति की क्या मान्यता है, क्या खासियत है? ये आप यहाँ पर आप छोटे छोटे ग्रामीण अंचलों पे देख सकते हैं, आजू बाजू देख सकते हैं, यहाँ पर शिवजी माँ भगवती के साथ परिवार सहित बैठे हुए हैं और श्रृंगार रूप में बैठे हुए हैं। जब माँ भगवती गौरी का जब विवाह सम्पन्न हुआ उस समय वो ब्रस अर्थात नंदी पे साथ में लेके जब आ रहे थे, तो ये उनकी वो प्रसिद्ध झांकी है जो कि आपको गौरी शंकर मंदिर में ही दिखाई देगी, जो हमारे यहाँ पर उपकाशी में ही स्थित है। परिवार की हजारिन बहु द्वारा करीब 400 वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना की गई थी, और यह गौरी शंकर जी मंदिर महादेव मूर्ति की जो खासियत है, मूर्ति अपने आप में एक अद्भुत है जो कि दूल्हा वेश में विराजमान है। साथ ही भोलेनाथ की जो मुख के नीचे एक हीरा भी इसमें मूर्ति में रत्न जड़ित है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर तक आते हैं और भक्ति भाव से भगवान देव श्री गौरी शंकर महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं।